फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। आज हम आलू मटर की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कटोरी मटर, ये फ्रोजन मटर है जो कि मैंने घर पे ही बनाया था। उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आप फ्रेश वाली मटर भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें मीडियम साइज के 3 टमाटर लगेंगे और 2 प्याज ले लिया है, 2 आलू, 3 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आलू कट करेंगे। आलू को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, आप इससे छोटे या बड़े टुकड़े भी काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई गर्म हो गया है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल लिया है। अब सारे कटे हुए आलू हम इसमें डाल देंगे। अब आलू को थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक हमें भूनना है, तो आप इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लीजिए। जब तक भून रहा है हम यहाँ पे थोड़े से मसाले पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, इसे हम पीस लेते हैं। यहाँ पे जो कवर रह गए हैं बड़ी इलायची और छोटी इलायची के, वो हम निकाल देंगे। अब डालेंगे लहसुन, मिर्ची, अदरक, 3 टमाटर है वो भी हम इसी में काट के डाल लेंगे, इसे भी बारीक पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला पीस करके तैयार है, इसे साइड में रखते हैं। आप ये देखिए हमारा आलू भी हल्का सा भुन चुका है, निकाल लेते हैं हम। हमारी आलू देखिए लाइट ब्राउन कलर में आ गई है और बाहर का जो कवर है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है, तो यहाँ पे हम आलू निकाल लेते हैं। अगर जरूरत हो तो आप थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल और डाल दिया है। 1 बड़े साइज का प्याज या मीडियम साइज का प्याज है तो 2 प्याज आप काटिए और डालेंगे इसे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और प्याज को डार्क ब्राउन आने तक पका लेंगे। 5 मिनट तक का टाइम लग जाएगा हमें प्याज को पकाने में। हमारा प्याज ब्राउन कलर में आ गया है तो अब यहाँ पे हम पिसा हुआ मसाला हम यहाँ पे डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और टमाटर का जो पानी होता है, जो मॉइस्चर होता है, वो पूरी तरीके से सूख जाने तक हम इस मसाले को पकाएंगे। तो हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तो हमें 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। देख सकते हैं कि इसके अंदर का पूरा मॉइस्चर चला गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। तो इस टाइम पे हम यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले, हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा सिर्फ कलर के लिए, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और सूखे मसालों को भी 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लीजिए। अच्छी तरीके से भुन चुका है, यहाँ पे हम ऐड कर दें आलू, मटर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आखिरी में यहाँ डाल देंगे पानी, फ्लेम को हाई करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अगर ग्रेवी को गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो कम पानी डालिए और पतला बनाना चाहते हैं तो ज्यादा पानी डाल सकते हैं। 1 कप पानी और डाल रही हूं मैं, क्योंकि पकने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है, आप चाहे तो इसमें 1 कप पानी और डाल सकते हैं। इसे यहाँ पे ढक देते हैं और लो फ्लेम पे आप इसे आलू और मटर पकने तक पका लीजिए। पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। आप आलू और मटर चेक कर लीजिए, अगर आलू और मटर पक गया है तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। यहाँ पे मेरे आलू पक चुकी है और मटर भी पक गया है। मैं एक चीज डालना भूल गई थी, देती हूँ नमक। नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए आप, मैं डालना भूल गई थी तो मैंने अब डाल दिया है। तो नमक को भी हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी बन करके तैयार हुई है। ग्रेवी में हम यहाँ पे डाल देंगे धनिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हमारी सब्जी बन करके तैयार है, आप इसे अब सर्व कर सकते हैं, रोटी, चावल, परेठा, पूरी, किसी के भी साथ। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारी सब्जी बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।